डॉक्टर अमरेंद्र पी बेहरा जे रही जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सर बहुत बहुत स्वागत करुछी आपनको प्रथमतः अंडर प्राइम मिनिस्टर ई विद्या होची दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा एभली गोटे प्लाटफर्म जाधेरे पूरा देशर 62 स्कूल बोर्ड 36 एससीईआरटी एसआई तांको कंटेंट दीक्षा रे अवेलेबल ये होची गोटे जंक्शन जमती आमर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन गोटे जंक्शन कि खोर्धा रेलवे स्टेशन गोटे जंक्शन कि ट्रेन बहुत आड़ आसवे आठ क्रॉस करेंगे सेमती दीक्षा गोटे जंक्शन जोटि कि 44टा वेबसाइट एट ए टाइम काम करुची से ओडिशा भी सही वेबसाइट रे काम करुची वेस्ट बंगाल भी सही वेबसाइट रे काम करुची जोटा कि आम वेस्ट बंगाल सहित लगिचु कि 35टा स्टेट बैरिंग वेस्ट बंगाल वी आर एक्टिवली इनवॉल्व्ड एंड मोर देन 318,000 कंटेंट हैव बीन एक्युमुलेटेड ऑन दीक्षा इन 36 इंडियन लैंग्वेजेस वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड विथ द पॉलिसी डायरेक्शन कि बाकी जो भारतीय भाषा ता देरे भी कंटेंट बना जाऊ इवन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर बहुत समय रे कि भारतर अन्य भाषा रे भी कंटेंट बनवा पाई जोर दौंती आम आरंभ भी कर सारू इनक्लूडिंग टेक्स्ट बुक भी अलग 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 भारतीय भाषा रे हवापाई केवल हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत एनसीईआरटी ट्रेडिशनली जो बनाऊला से नुहे आउ 318,000 कंटेंट रु जदि आम देखा टेक्स्ट बुक डिजिटल टेक्स्ट बुक 6,500 डिजिटल टेक्स्ट बुक पूरा कंट्री रो दीक्षा रे अवेलेबल आउ 9,000 रु अधिका टीचर एजुकेशन कोर्स आउ आम जो ए निष्ठा इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भारत सरकार तरफ लागू कराई पूरा देश में 85,00,000 अध्यापक अध्यापिका जोटा कि आम कोविड टाइम रे आरंभ करूँ कोविड टाइम रे जो निष्ठा आरंभ है 24,00,000 टीचर प्रशिक्षण अध्यापक अध्यापिका प्रशिक्षण केवल 8 मास समय जोटा कि ये वर्ल्ड रो वन ऑफ द बिगेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कि ता इंप्लीमेंट करागला आउ जदि मुझे आपको गोटे दुटा मुद्दा आपण सामने रखे जे 11th आउ 12th पाई एनसीईआरटी 28टा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करछि कारण 11th 12th बहुत क्रुशियल तांको वोकेशनल फील्ड रे जीवा पाई कि अन्य को प्रोफेशनल फील्ड रे जीवा पाई कारण गोटे टर्मिनल एग्जामिनेशन 12th जोटा कि हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन रे जीवा पाई तेणु एनसीईआरटी जो ये 28टा कोर्स बनेछि ये स्वयं रे ऑलमोस्ट मोर देन 1,000 कोर्स अच्छी ता भितर 28टा कोर्स एनसीईआरटी रो ऑलमोस्ट 50टा कोर्स एनआईओएस रो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जे कि भारत सरकार अंडर रे गोटे सोसाइटी आउ से माने भी कंटेंट बनाउचंती आउट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउट ऑफ गोइंग सिस्टम सर्विंग द आउट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन इंडिया तेणु तांको कोर्स आउ एनसीईआरटी रो कोर्स ए दीटा संस्थार कोर्स जो स्वयं एबे भी चालू अच्छी आउ ये कंप्लीट फ्री ये कंटेंट आउ यू विल बी सरप्राइज वी ऑल्सो गेट ए लार्ज नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स बिकॉज वी मेंटेन वन इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम नॉट ओनली फॉर गेटिंग क्वेश्चंस ऑल्सो फॉर काउंसलिंग फॉर टेली काउंसलिंग वी हैव मोर देन 350 ट्रेन्ड काउंसलर्स बाय एनसीईआरटी दोज टीचर्स हु हैव acquired PG diploma in educational vocational guidance and counseling on 24/7 basis they are providing online support to school students even we have one initiative one component called sticky agent function in that IVRS ja phalare ki se jadi se pila prathame gote counselor sangare katha aitibo ta case history sei counselor janichi से स्टिकी एजेंट फंक्शन से ही काउनसिलर पाख को कॉल आगो डाइवर्ट करिवो आउ जदि से काउनसिलर बिजी अछंती ताहले आउ को काउनसिलर पाख से कॉल टाकू रिडायरेक्ट करा जिवो तेणु दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स आउ मु कहतली जे प्रथम रु कि प्रशस्त करिकिरे गोटे मोबाइल आप भारत सरकार उद्यम रे शिक्षा मंत्रालय उद्यम रे आमर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी लॉन्च करते लास्ट ईयर आज ए पार्ट ऑफ 2 ईयर सक्सेसफुल सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तेणु ता द्वारा
early identification of children with special needs, whether the child is autistic child or a hearing impaired child or a visually impaired child. Then early identification and how educational support can be provided to that child. So that has also been initiated, and almost all the states are using this, and more than 5 lakh teachers are already enrolled, and more than 16 lakh students they have already listed, they are on the portal. And I must mention by closing that as a part of initiating education for children with special needs, particularly the visually challenged and hearing impaired. माने ए दीटा कैटेगोरी रो इंडिया रे भी बड़ संख्या रे एर पिला अछंती जा फल रे कि हमें ऑलमोस्ट 4000 साइन लैंग्वेज वीडियो इंडियन साइन लैंग्वेज वीडियो एनसीईआरटी द्वारा बना हिची आ प्राइम मिनिस्टर्स ई विद्या चैनल रे क्लास 1 टू 6 चैनल 6टा चैनल रे 24/7 टेलीकास्ट कराउ छी. सिमिलरली एनसीईआरटी रो जेते बही 377 टा एनसीईआरटी बुक टाइटल क्लास 1 रु 12 पर्यंत ए बही की 3टा डिजिटल फॉर्म रे रखा है जी पीडीएफ फ्लिप बुक सो दैट चिल्ड्रन लाइक यूजिंग ए किंडल दे कैन टर्न द पेज एंड रीड द बुक एंड द लास्ट फीचर इज ए टॉकिंग बुक फीचर द ईपॉप. सो एनी चाइल्ड को पिला थकी गला पढ़ी पढ़ी की भल देखा जाऊनी कि चश्मा लगे तो जे चाइल्ड वुड लाइक टू लिसन टू द टेक्स्ट तो ईपॉप ऑन करी एनी थर्ड पार्टी टीटीएस टेक्स्ट टू स्पीच आप अपलोड करी के तंको मोबाइल रे डाउनलोड करी से माने पढ़ी पारिबे. आउ इवन रिसेंटली एज ए पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनईपी 2020 एनसीईआरटी हैज कम आउट विथ जादुई पिटारा आज लर्निंग टीचिंग मटेरियल व्हिच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर. एंड बिसाइड्स दैट द क्लास 1 और 2 टेक्स्ट बुक इन हिंदी इंग्लिश उर्दू हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड अपलोडेड. वी आर ट्रांसलेटिंग इट यूजिंग मशीन लर्निंग इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस एंड विल बी मेकिंग इट अवेलेबल ऑन दीक्षा एंड ई पाठशाला पोर्टल सो दैट ए चाइल्ड स्टडिंग इन ओडिया ऑल्सो कैन एक्सेस क्लास 1 और 2 बुक और देयर पेरेंट्स इन ओडिया लैंग्वेज एंड सिमिलरली फॉर अदर 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस टू स्टार्ट विथ. एज फार एज अदर लैंग्वेजेस आर कंसर्न वी आर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स टू ट्रांसलेट दिस एंड यूज इट ऑल्सो. सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव आई मस्ट से एंड कोट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि जब डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट है 2015 रे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी सेड दैट गिवन द इंडिया स्केल एंड द नंबर द स्किल स्केल एंड स्पीड टुगेदर कैन बी अचीव्ड इफ वी इंप्लीमेंट इट थ्रू आईसीटी थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी और यूज एंड इंटीग्रेशन ICT and digital education. Even the NEP 2020 has reiterated that, and there are two dedicated chapters in the National Education Policy, chapter number 23 and chapter number 24. So it emphasizes on use and integration of technology and online education, including the disruptive technology like augmented reality, virtual labs. Even NCERT has enabled 218 virtual labs on Diksha platform, and there are nearly 100 plus augmented reality contents also NCERT has developed under the aegis of Ministry of Education so that it can be disseminated among stakeholders, and the image or the particularly picture given in the book could be scanned by a child and the AR VR content can be seen from there. So with these words I thank all of you give me the opportunity to address all of you, and for any question, comments and suggestions I'll be open to discussion. Thank you very much once again. Thanks to Argus TV channel for giving me this opportunity also. Best wishes. I hope these were useful for all of you. Thank you very much. Namaskar.